नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आज हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सादर नमन, सादर वंदन दर्शकों। दिवाली, जी हाँ, इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आने वाली हैं, धन धान्य से कितने आप भरने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के बारे में, जानेंगे आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक पक्ष, आपका काम कारोबार और आपसे जुड़े कुछ उपाय भी हम जानेंगे आचार्य जी से। ये सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दौरान, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली के दौरान जितने भी बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, उसके अनुसार आपकी सेहत कैसे रहने वाली है? जी, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात करें हम कविता जी, वृषभ राशि वालों के लिए तो यह जो समय है, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का जो समय पीरियड है, इसमें कई उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेंगे। और यूं कहिए कि स्वास्थ्य से लड़ाई लड़कर यह शायद विपरीत परिस्थितियों में जीना सीख जाएं वृषभ राशि के लोग। तो वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों में उतार चढ़ाव भरा रहेगा, विशेष करके इस दीपावली के तुरंत बाद का समय, या हो सकता है दीपावली के एक दो दिन पहले से भी कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल जाएं। यह सिर्फ मात्र हमारी आप सबको सचेत करने की, सजग करने के लिए है, यह आपको डराने का प्रयास एकदम से कतई नहीं है। चलिए, ये तो हमने आपकी सेहत के बारे में जाना, अब बात आती है आपके काम कारोबार की, जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये वक्त, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो यह आपके लिए जो समय है इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का, कविता जी, जी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं। जैसे कि वर्ष के शुरुआत में, जैसे ही दीपावली बीतेगी, दो महीने के बाद ही, तीन महीने के बाद हमारा शनि का गोचर करीब आ जाएगा। छाया ग्रह है तो प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है जी। इसलिए इसके साथ ही अगली दीपावली के आसपास ही राहु और केतु का ट्रांजिशन होना है, जो कि राहु निकलकर इनके घर से अगली राशि में जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, और इस बीच में भी कई अन्य गोचर, वक्री होना और मार्गी होना, यह प्रोसेस रहेगा ग्रहों का, उनका मिला जुला जो प्रभाव इनको देखने को मिलेगा, वह आर्थिक रूप से इनके लिए, व्यापार अगर है इनका, व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही शुभ समय होने वाला है, लेकिन पैसा फंसेगा जी। अगर आपने कहीं मोटा काम किया है, किसी पर अंधा विश्वास करके किया है, तो वह आपको धोखा देगा, आपका पैसा फंसेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके लिए जो मध्य वर्ष का जो समय रहेगा, लेकर आप लीजिए कि मई से लेकर सितंबर तक का समय, 2022 का जो समय गुजरेगा, वह थोड़ा सा तनावपूर्ण गुजरेगा। तनाव होने की वजह से, तनाव में आने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें प्रभावित होंगी, और मानसिक तनाव भी आपको मिल पाएगा इन्हीं आर्थिक तंगियों की वजह से। कविता जी, आर्थिक तंगियों की वजह से, ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस दौरान का वक्त खास तौर पे इनके आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा? मतलब देखिए, कितना कमा पाएंगे, और उस जो भी इनकी कमाई होगी, क्या थोड़ा बहुत जोड़ पाएंगे, कुछ सेव कर पाएंगे? वृषभ राशि वालों के लिए कविता जी, आर्थिक रूप से जो यह समय होने वाला है, क्योंकि राहु का ट्रांजेक्शन होने वाला है, और राहु अभी इनके घर में बैठा हुआ है जी। और राहु के साथ साथ जो दृष्टिगत संबंध शनि और केतु का आ रहा है, वह इनके लिए इनको बेवजह के खर्चों में इन्वॉल्व कर रहा है। अभी भी यह बहुत ज़्यादा खर्चालू स्वभाव के हो गए हैं, बेवजह के खर्चे करना, ज़रूरत ना होने पर भी उस चीज़ को प्राथमिकता में लेना, इस तरीके का स्वभाव इनको दिया है राहु। और कई जगहों पर इस समय इनके लिए, और लेकर चलें कि आप सितंबर अक्टूबर तक का समय अगले 2022 का, इनके लिए मानसिक भटकाव का है आर्थिक रूप से, कि यह कभी भी कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर यह सोचेंगे नहीं, यह अपने भविष्य को नज़र में रखकर वह निर्णय, आर्थिक निर्णय नहीं लेंगे, जिसकी वजह से इनको आर्थिक तंगी का सामना साल के मध्य में, 2022 के मध्य में आते आते इनको करना पड़ेगा, और तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इनके कमाई और अर्निंग की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कि इनके पास धनार्जन आर्थिक रूप से आएगा कितना, तो वह बहुत ही उत्तम स्तर का होगा।
ऐसा नहीं है कि यह कमाई के मामले में कमजोर रहेंगे, कमाई के धनार्जन के मामले में इनका पक्ष बहुत मजबूत रहेगा आर्थिक रूप से, लेकिन बेवजह के आर्थिक व्यय इनको तोड़कर रख देगा और इनको पूर्ण रूप से आर्थिक तनाव और तंगी को दिखाएगा। कविता जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये भी जान लेते हैं कि इस दौरान, इस वक्त आपके रिश्ते क्या कुछ कहते हैं, रिश्तों में कितनी मिठास रहेगी और क्या रिश्तों में आई कड़वाहट से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों से भी क्या गुजरना पड़ेगा, जानते हैं। देखिए, रिलेशनशिप के विषय में वृषभ राशि वालों के लिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत विपरीत चल रहा है। इस दीपावली का भी जो समय है यह अपनी शायद अंतर आत्मा को मार कर मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह स्थिति जो है वह आने वाले समय में भी रहेगी। विशेष करके संबंधों में इनको कहीं भी पूर्णता का आभास मिलेगा ही नहीं। हम सिर्फ पति पत्नी के संबंध या प्रेमी प्रेमिका के संबंध के बारे में नहीं यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अगर आप किसी से इमोशनली भाई बहन से अटैच हैं, वहाँ भी आपको अपूर्णता मिलेगा, वहाँ आपको अधूरापन मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं जो आप जितना उसको दे रहे हैं 100% अपना, वहाँ से आपको उसका 10% भी रिवर्ट नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से माता पिता या अन्य संबंधों में भी, मित्र के संबंधों में भी यह समस्या देखने को आपको मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली से पहले तक का जो समय है वह संबंधों के विषय में तनावपूर्ण रहने वाला है। कविता जी, चलिए अब जाते जाते बात कर लेते उपायों की, तो आपको क्या लगता है वृषभ राशि वाले जातकों को इस दौरान क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय आपके लिए सबसे प्रबल है कि आप राहु की शांति करें, राहु को बल ना दें। अब कुछ लोग यहाँ पर, हम अक्सर बोलते हैं तो हमारे पास लोग व्हाट्सअप करते हैं कि जी राहु का जाप करवा लें। नहीं, जाप करवाने से उसको आप भोजन देते हैं, उसको बल देते हैं, हम शांत करने के लिए कह रहे हैं। और राहु शांत दो ही तरीके से होता है, पहला गौमूत्र का प्रयोग, दो तरीके से। अगर आप सेवन नहीं कर पाते तो हम एकदम से बाध्यता नहीं देते हैं, हम एकदम से आपको बाध्य नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने कभी बाध्य नहीं किया तो हम कौन होते हैं, और जो बाध्य करे आपको वह आपके लिए सही गुरु नहीं। तो बाध्यता नहीं है, अगर आप सेवन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं सेवन कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वह लेकर और अपने नाभि पर आप स्पर्श करें, स्त्री हो या पुरुष दोनों इस प्रयोग को कर सकते हैं और इससे पूर्ण रूप से राहु की शांति होगी, उनके संबंधों की पीड़ा शांत होगी और साथ ही साथ व्यर्थ का आर्थिक व्यय भी शांत होगा। कविता जी, चलिए ये आज हमने अचाय जी से जाना कि इस प्रकार से इस दिवाली से लेकर देखिए अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।